बच्चों हमारा ये लेसन चल रहा है पार्ट तीन म्याऊं म्याऊं। आज हम इसी का एक अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में है शब्दों का उलटफेर। बच्चों हम एक बात को कई तरीके से बोल सकते हैं। एक बात को हम पहले शब्द इधर लगा सकते हैं, उधर लगा सकते हैं, लेकिन बात का मीनिंग वही निकलता है। तो इस कविता में कही गई इस बात को बातचीत में हम इस प्रकार कहेंगे। कविता में किसी और ढंग से कही जाती है, उसी बात को बच्चों जब हम अपनी बातचीत में बोलते हैं तो हम उसको दूसरे ढंग से बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, सूझा मुझको एक बहाना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मुझको सूझा एक बहाना। और इसी बात को हम तीसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं, मुझको एक बहाना सूझा। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं और हम उसको अलग अलग तरीक़ों से अपनी बात को बोल सकते हैं। हम किसी बात को कविता में दूसरे तरीके से कहते हैं रिदम मिलाने के लिए, और अपनी बातचीत में हम उसी बात को दूसरे ढंग से कहते हैं। तो नीचे लिखी बातों को दो तरीक़ों से लिखो, हमारा आज का अभ्यास है। नीचे लिखी बातों को दो तरीक़ों से लिखो। इसमें पहला वाक्य दिया गया है बुक में बच्चों, खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब हम इसी बात को अपने शब्दों में इस तरह कह सकते हैं, गाय चौराहे पर खड़ी थी। इस बात को दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है बच्चों, अब हमें दूसरी बात दी गई है, घुस गया शेर जंगल में। घुस गया शेर जंगल में, इसी बात को हमें दो तरीक़ों से कहना है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, शेर जंगल में घुस गया, या जंगल में शेर घुस गया। बच्चों कहने का मतलब ये है कि बात वही एक ही होती है, लेकिन हम उसको अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से अपने शब्दों में कह सकते हैं। बच्चों हमारा आज का होमवर्क है, इन वाक्यों को जो ये ऊपर लिखे गए हैं, खड़ी गाय थी यहाँ से लेकर के नीचे लिखी बातों को दो तरीक़ों से लिखो। आपको ये ऊपर वाला नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है, ये यहाँ तक नीचे लिखी बातों को दो तरीक़ों से लिखो। ये बात आप लिखेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ तक का इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। और जैसे ये सोई सोई एक रात में सोई सोई कविता पढ़ी है ना आपने म्याऊं म्याऊं वाली, इसमें से कोई भी लाइनें चुनकर उनको दो तरीके से अपने वाक्यों में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने तरीके से बोलने का अभ्यास करेंगे। कोई भी कविता की लाइनें आप सेलेक्ट कर लेंगे, चुन लेंगे, और फिर उसको आप दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं यह बोलकर अपनी मम्मी को, पापा को, किसी भी बड़े को सुनाएंगे। तो बच्चों आज का हमारा काम यही है। थैंक यू वेरी मच।